हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज साडा लैक्चर रिलेशंस पार्ट टू है। बेसिकली ये नाइन्थ लैक्चर हैगा तुहाडा, ठीक है जी। टेंथ इनफिमम सुप्रीमम ते आ जाएगा मेरे ख्याल 7-8 दिन बाद हैगा, ठीक है। बट जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल टाइम दी बड़ी प्रॉब्लम है, बाकी भी देखनी होंदी चीज़ा। चलो खैर, हाले पेपर नेड़े नहीं हैगा तो मतलब आपां इन्ना एडजस्ट कर सकते हैं। तो असी ना पिछली बार सारे तरह के रिलेशंस दी डेफिनेशन, क्योंकि मैं पिछली बार स्टार्ट च किया सी भाई तुसी ये चीज़ा BSc च MSc च भी शायद ना पढ़िया होन, बट उस लैसन च ऐसा कुछ नहीं आया क्योंकि वो लैसन जिहड़ा सीगा तुहाडे कोल वो खत्म करता सी आपां को एग्जाम्पल्स ते ही। अज आपां उस विच कुछ चीज़ा ऐड करनियां हैगियां ने तुहाडे कोल, ते ये रिजल्ट तुसी याद कर लेने हैगे ने, बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आता तो जिहड़ा हैगा पहला रिजल्ट हैगा तुहाडे कोल, जे तुसी नंबर ऑफ रिफलैक्सिव रिलेशन लेने होन, रिफलैक्सिव रिलेशंस, नंबर ऑफ रिफलैक्सिव रिलेशंस किसी भी वो लेने होन, तो 2n² - n² - n, सो ये फार्मूला है, ठीक है। तो यही इररिफलैक्सिव का भी है, जे नंबर ऑफ इररिफलैक्सिव लेने होन जिहड़े रिफलैक्सिव ना होन, ठीक है, तां वी 2 raised to the power n² - n तुहाडे कोल फार्मूला हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो जे नंबर ऑफ समेट्रिक रिलेशन लेने होन, सो ये रूल नंबर 1 हो गया थोड़ा, ठीक है जी। सो जे नंबर ऑफ समेट्रिक रिलेशन, सो वीडियो मैं छोटी रखूँगा, मतलब ज़्यादा मतलब बच्चे अक जाते हैं ज़्यादा वड्डी वीडियो ते, ठीक है। तो जड़ा हैगा नंबर ऑफ समेट्रिक रिलेशंस, अगर समेट्रिक रिलेशंस की गल करिए तो 2 power summation n होंदा है, यानी कि n(n+1)/2 ये नंबर ऑफ समेट्रिक रिलेशंस हैं। रिजल्ट आपने याद रखना है, अगर समेट्रिक की थान ते a समेट्रिक आ जाए, ठीक है जी। तीसरे विच अगर a समेट्रिक आ जाए तुहाडे कोल, तो एसिमेट्रिक की कैटेगरी के 3 power n(n-1)/2, ठीक है जी। ये वाला रिजल्ट आपने याद रखना है। तो रिफ्लैक्सिव 2 power n² - n, ठीक है। n की होगा, n नंबर ऑफ एलीमेंट्स होंगे, n बराबर नंबर ऑफ एलीमेंट्स होंगे, ठीक है जी। सो नंबर ऑफ रिफ्लैक्सिव रिलेशन 2 आई जी सेम थोड़े को, इदा वो स्केयर पार्ट नहीं हो रहा थोड़े को। फिर नंबर ऑफ समेट्रिक रिलेशन है थोड़े को 2 raised to the power n(n+1)/2, उस तो बाद हैगा जिहड़ा ए समेट्रिक रिलेशन हैगा थोड़े पास 3 है, 3 raised to the power जिहड़ा हैगा थोड़े को n(n-1), और जे एंटी समेट्रिक कहा होया हैगा चौथा। मैं एग्जाम्पल लैंदा वा, क्योंकि पिछली बार मैं सारिया कैटेगरीज दसतिया सी, ए वाले जिहड़े फार्मूले हैं ना 11वीं च पढ़ाते हैं, ना 12वीं च पढ़ाते हैं, ना BSc च पढ़ाते हैं, बट इन्हां ते क्वेश्चन आ जाता। सो नंबर ऑफ एंटी समेट्रिक है ना जिहड़ा, इस 2 raised to the power n² बाकी सारा आही है, ठीक है जी। 2 raised to the power n² है, बाकी 3 raised to the power जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल n(n-1)/2 हैगा तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। ये वाली चीज़ हैगी है तुहाडे कोल। हुण मान लो आप एक क्वेश्चन लै लीए तुहाडे कोल, सो ये रिजल्ट्स आपने याद रखने ने, बहुत शॉर्टकट ने। क्वेश्चन किदा आएगा, क्वेश्चन मैं हुणे दसदा तुहाडे कोल। सो क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुहाडे पास, मान लो उन्हें कह दिता फाइंड नंबर ऑफ एंटी समेट्रिक रिलेशंस, नंबर ऑफ एंटी रिलेशन ऑन सेट ए हैविंग 2 elements। सो थोड़े को 2 element होने चाहिए थोड़े को, किन्ने एंटी समेट्रिक रिलेशन होने। तो हमने तुम एंटी समेट्रिक का फार्मूला पढ़िया 3 power n(n-1)/2। सो तुम 2 power उरे 2 कर देना, 3 power 2 × 1/2। सो 2 power 2 4 × 4 = 12। सो इदा क्वेश्चन आराम नाल आ जाता जी, पेपर के आ जाता। इस करके कह रहा वा, बहुत ज़्यादा साढ़े को पेपर नहीं है कि पिछले प्रीवियस भी तुम कहो जो है, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है तो इदा दीज़ा बहुत ज़्यादा पूछिया जाए को, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ आपने कर ली जी थोड़े को। हूँ अगर आप देखिए
हुण एक आपां ध्यान रखना हैगा जिहड़ा इह तां आपां ने कर दिता नंबर ऑफ अस आपां कहता तुहाडे कोल एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इस तरह आपां नूं कुछ भी पूछा जा सकता हैगा ते आपां ने वैल्यूज़ जिहड़ी हैगी आ फिल करके आंसर कर देना है। हुण एक बड़ी इंपॉर्टेंट जिहड़ी चीज़ अराइज़ हुंदी हैगी है वो हैगी है जदों इक्वलेंस रिलेशन डिफाइन करते हैं तो इक्वलेंस क्लास अराइज होंगी है। जे इक्वलेंस क्लास अराइज हो जाए फिर पार्टीशन का कंसैप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और 11-12 नहीं पढ़ाते हैं। बिल्कुल शॉर्टकट के लिखूँगा रिजल्ट्स लिखूँगा सो थोड़ा जहा ध्यान रखना। इस तो अगला लैक्चर इनफीमम सुप्रीमम से होएगा 15 या 20 क्वेश्चन कराऊँगा विच विच ग्राफिकल नोटेशन होएगी ठीक है और इस दे नाल इकट्ठा ही आ जाएगा। पिछली बार रिलेशन ना ग्रुप आया सीगा इस बार रिलेशन ना सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक आ जाएगा जी ठीक है जी। सो नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हैविंग टू एलीमेंट्स आपने लिख दिता थोड़े को वाली चीज़ है। हुण क्वेश्चन हैगा थोड़े पास भाई अगर आप इक्वलेंस क्लास लईए तो इक्वलेंस क्लास का मतलब की हैगा थोड़े को ठीक है जी। मैं ना एक क्वेश्चन ले लैंदा वा थोड़े को कि तुहानू समझ आ जाए थोड़े को क्वेश्चन 12th लैवल का ही है थोड़े को एक बार माड़ा चैक कर लिए कोई इक्वलेंस क्लास वाला क्वेश्चन ठीक है। क्योंकि जो इक्वलेंस क्लास डिफाइन होगी ना तो फिर आपां बड़े आराम नाल क्वेश्चन जिहड़ा हैगा आपां ने पिछले वाले लैक्चर च इक्वलेंस क्लास डिफाइन कर ली सी कि ऐसा नहीं कि डिफाइन नहीं की बट हुण थोड़ा जिहा उहनू यूज़ करना कर लो क्योंकि इक्वलेंस क्लास अगर डिफाइन हो जाती है ना इक्वलेंस क्लास तो फिर पार्टीशन बहुत सौखी हो जाऊ और पार्टीशन श्योरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगी है। तो अगर मैं एक रिलेशन डिफाइन किया ए बी आर सी डी 12th की किताब च है जी ए बी आर सी डी बोथ वेज इंप्लाइज जिहड़ा हैगा ए मतलब ए बी आर सी डी बोथ वेज ए डी इज इक्वल टू बी सी। सो ये मैं एक रिलेशन डिफाइन किया जी ए बी आर सी डी ए डी इज इक्वल टू बी सी तो ये इक्वलेंस रिलेशन हैगा है इक्वलेंस रिलेशन हैगा है। तुसी 12th की कोई भी किताब देख लोगे तो पता लग जाएगा ठीक है जी। उसने थोनों क्या कहता 4-8 की इक्वलेंस क्लास लिखो ये इक्वलेंस क्लास लगनी है 4-8 की ठीक है जी। सो अगर आप 4-8 की इक्वलेंस क्लास लभनी है तो आप रिलेशनशिप की करांगे आपने सिर्फ कहना है भी 4-8 की मैं इक्वलेंस क्लास लभनी है तो मैं एक रिलेशन लभना पेगा जिद कोई दो नंबर हो ठीक है जी। ए एन बाय एन ते डिफाइन है जी एन एन क्रॉस एन ते डिफाइन हैगा थोड़े को तो इहदा मतलब मेरे पास एक्स वाई थोड़े को जिहड़ा हैगा है कोई भी एन क्रॉस एन दे विच हुण सच दैट होएगा की खासियत कि वह एक्स वाई जिहड़े हैगे ने वो 4 और 8 ना रिलेशनशिप शो करन ते जे आगे 4-8 लिखिया तो कोई दिक्कत नहीं गी। हुण इत्थे बंदा कोई रौला पा लवे सर नहीं तुसी पहला डेफिनेशन तो एवें पढ़ाई सी यार इक्वलेंस क्लास है जो इक्वलेंस क्लास है तो रिलेशन सिमेट्रिक हो के आया है जे रिलेशन सिमेट्रिक क्योंकि मे बी ऐसी पॉसीबिलिटी है मैं कदे इसनों पहला लिख दिता होवे किते ठीक है 12th के वीडियो लिख दिता हो कोई ये कोई दिक्कत वाली गल नहीं गी। कारण इक्वलेंस क्लास लई तुसी ना सिमेट्रिक पक्का होंगे हो तो जो तुसी सिमेट्रिक होंगे हो तो दो ही चीज़ा वैलिड ने सो एडी चिंता वाली गल नहीं हैगी। हुण मेरा क्वेश्चन आ सीगा तुहाडे कोल ठीक है ना इहदे विच आ पहली रकम सीगी आ दूजी रकम सीगी आ तीजी सीगी ते आ चौथी सीगी। मैं पार्टीशन ते जस्ट आना जी होर एडी कोई लंबी चौड़ी गलबात है नहीं गी तुहाडे को पहली और रूल की कहिंदा पहले नाल चौथी गुणा हुई है पहले नाल चौथी गुणा हुई है ते उस तों बाद बी जिहड़ी हैगी है बी दूजी तीजे नाल गुणा हुई है आ थोड़ा रूल पढ़ना आना चाहिए पहला चौथे नाल गुणा होया दूजा तीजे नाल गुणा होया हैगा तो इहदा मतलब की होया पहला चौथे नाल गुणा कर दो 8x ते दूजा जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल उह तीजे नाल गुणा कर दो 4y इहदा मतलब ए बोथ वेज इंप्लाइज तुसीं इस तरह कर दोगे जे तुसीं इस तरह कर दोगे तुहाडे कोल उस तों बाद तां जिहड़ा हैगा ए इहदा 8 है इहदा 2x आ जाएगा इहदा वाई आ जाएगा सो 2x इज इक्वल टू वाई हैगा तुहाडे कोल इहदा मतलब वाई दी वैल्यू 2x आ गई इहदा मतलब थोड़ा रिलेशन की हो गया x कोमा 2x हो गया क्योंकि y दी जगह ते थोड़े कोल 2x आ गया ठीक है जी। तो इस तरह का जिहड़ा रिलेशन है ठीक है x कितों उठावे नैचुरल चो तो पेयर बन गया 1-2 है ना तो जिहड़ा हैगा 2-4 बन गया 3-6 बन गया तो ये सो ओन बन ये आ गया इहनू असीं इक्वलेंस क्लास कहने ठीक है जी।
सो ये चीज़ है थोड़े पास, मतलब इस चीज़ की मैं गरंटी लैंना भी जे मैं 50 लैक्चर बनाते जो कि श्योरली मैं थोड़े बना दूंगा मिनीम 50 थोड़े पेपर तो पहला, तो उस विचों थोड़ा अद्धे नालों ज़्यादा पेपर आ जाएगा। जिसनों 12th लैवल के क्वेश्चन दिक्कत हैगी 12th के बहुत सारे वीडियो पे ने जिस जिस टॉपिक दिक्कत है तो वो, और शुरू तो एंड तक एको चीज़ कह रहा वा कि बेसिक फोकस थोड़ा ग्राफ पर हो, हर चीज़ में तुम ग्राफिकली देखना सीख लो। ठीक है जी, सो आप इक्वलेंस क्लास अपने बना दिती है कि थोड़े को हूँ मैं पार्टीशन की डेफिनेशन देनी है। पार्टीशन की डेफिनेशन जो तुम कहने हो ना पार्टीशन, तो मतलब अगर पंजाबी पार्टीशन का मतलब देखिए तो पार्टीशन का मतलब बंटवारा होंगे। मान लो एक घर सेगा जी, वो दो हिस्सेदार अराइज हो गए A1 A2। ठीक है जी, एक घर के दो हिस्सेदार हो गए, बंटवारा हो गया जी। बिल्कुल मैथ विच भी बंटवारा उदा ही है, तो यदि पहली कंडीशन ये होएगी दोनों च कॉमन कुछ नहीं होएगा, क्योंकि कॉमन थोड़ी होंगे होंगे तो बंटवा थोड़ी चीज़ थोड़ी मेरी चीज़ मेरी, तो पहली चीज़ जी हैगी है कॉमन कुछ नहीं होएगा क्योंकि अद्धा बंदा भुलदा नहीं, तो दूसरी चीज़ जो मैं यूनियन करा तो मेरा टोटल बनना चाहिए हैगा, थोड़े को टोटल यूनिवर्सल सैट होना चाहिए माने आह सारा, क्योंकि बंटवारा होया ही दो चीज़ों का, जो आप उन्होंने जोड़ना है तो मुड़ के वह थोड़ा टोटल बनना चाहिए हैगा थोड़े को। ठीक हो गया जी, सो तुहानू डेफिनेशन क्योंकि बुक च डेफिनेशन अप टू एन दिती हो, अरे एन हिस्से तोड़ लो, ये तीन हिस्से तोड़ लो, चार हिस्से तोड़ लो। ठीक है अप, क्योंकि जो थोरैटिकल चीज़ा सी वो असी लोग पढ़ आए। ठीक है हूँ असी थोरैटिकल नहीं, असी सिर्फ असी एक कंपीटिशन क्रैक करना जिद सू सीधे फार्मूले पता होने चाहिए, कलू BSC ऑनर च अगला कहे नंबर ऑफ एंटीसीमेट्रिक रिलेशन से थोड़ा पता हो, BSC वाले पेपर बनाने वाले यही पता कि एंटीसीमेट्रिक प्लस टू होंगे कि नहीं होंगे। सिमिलरली मास्टर कैडर वाले उन्होंने नहीं पता कि 8 साल पहले तुम्हें प्लस टू की है, 6 साल पहले तुम पढ़ के आए हो कि नहीं, इस करके बेसिक कॉन्सैप्ट से तुम्हें जोर देना। तो पार्टीशन की गल तो समझ आ गई। हुण मेन चीज़ की है, मेन चीज़ है कि अगर मेरा फाई सैट एम्पटी है तो एम्पटी सैट की 1 पार्टीशन होएगी। ठीक है जी, एक पार्टीशन तुम खाली हो बाय ट्रडिशन। अगर थोड़े को एक ही एलीमेंट है ए, तोड़े पास एदी भी एक पार्ट, मतलब फाई की एक पार्टीशन तुसी लैनी ही लैनी है एम्प्टी बाय ट्रडिशन। एक एलीमेंट है तो एदी भी एक पार्टीशन होएगी। अगर थोड़े को दो एलीमेंट्स ने तो एदियाँ दो पार्टीशनस हो। ठीक है जी, तुम कहने किमें लिखी जाने, अरे दो ए तो बी वंडने हो, एक चे पा दो एक च बी पा दो, एक की कहदी पार्टीशन है, बंदा ही एक है तुहाडे पास, फिर उन्हें की वंडना। ठीक है, फाई का ट्रडिशनली 1 लै लेना आपां ने। ठीक है, सो अगर तुहाडे पास 3 आ गया, क्योंकि 3 तो बाद मैं कंबीनेशन का फार्मूला डिवेलप करना है, आपां कहानियां नहीं पा रहे हैगे। अगर मेरे पास 3 आ गया तो इस केस पार्टीशन करन दे तरीके बदल जाएंगे। तो पहली पार्टीशन एवें भी होएगी, ए नू अड कर दो, बी नू अड कर दो, तो सी नू अड कर दो, भी तिने भरा सी अड अड हो गए। ठीक है, दूजी पार्टीशन इदा की भी हो सकती है, दो कहने से इकट्ठे रहना, तीजे नू अड करो, आराम नाल पॉसिबिलिटी है। तीजी पार्टीशन इदा भी हो सकती है, तुहाडे कोल अगला कहे बी नू अड कर दो, ए ते सी इकट्ठे रह लैने, ये भी तो हो सकता। चौथी पार्टीशन इदा भी तो हो सकती है, सीरियल का कोई फर्क नहीं, उत्ते लिख लो, इन्होंने बी नू अड किया, कहते ए नू अड, सी भी अड हो चुका, बी भी अड हो सकता, कहते ए नू अड कर लो, बी ते सी इकट्ठे रह लैन, ये भी हो सकता। ठीक है, तो एक पार्टीशन यूनिवर्सल है भी, पार्टीशन हो गई ना, ये सारे इकट्ठे आ जाए, तो यदा मतलब है जोड़ा 3 हैगा थोड़े पास, यदि 5 पार्टीशनस हो सकती ने। हूँ बंदा कहता जी ये कहानियां जी पाई जाने तो जोड़ा हैगा हूँ 4 दियाँ कहने, नहीं 4 तो बाद मतलब ये 3 तो उन्होंने पता होनी चाहिए, 5 की एक, एक की एक, 2 दियाँ 2, 3 दियाँ 5, उस तो बाद एक जनरलाइज फार्मूला असी डिवेलप कर लाँगे थोड़े को। ठीक है जी, हूँ नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ ए सैट ए हैविंग एन प्लस 1 एलीमेंट तो की होएगा थोड़े को, आप देख लीए जी माड़ा जहाँ। डेफिनेटली हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है ये थोड़े को, नंबर ऑफ पार्टीशनस ऑफ सैट ए हैविंग एन प्लस 1 एलीमेंट्स। अगर थोड़े एन प्लस 1 एलीमेंट्स होंगे तो पार्टीशन का फार्मूला आपां याद रखना है, आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, NCRPR। हाँ जी, हूँ ये वाला फार्मूला जोड़ा है थोड़े को, फार्मूला आप किस तरह चला सकते हैं थोड़े को, आपने ये देखना है थोड़े को। ठीक है जी,
तो ए वाला फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टीशंस। हूँ एक बंदा बच्चा राइज करता क्वेश्चन, सर पार्टीशंस तो असी सिलेबस ही नहीं सुनिया, कदे तो पार्टीशन ते क्वेश्चन क्यों आएगा। ठीक है जी, तो इधर रीज़न है, देखो एक ना फंडामेंटल थ्योरम है ऑफ इक्वलेंस रिलेशंस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्वलेंस रिलेशन कहती है कि जिहड़े नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशन होंदे ने ना वो नंबर ऑफ पार्टीशंस के बराबर होंदे ने। इहदा मतलब जे तुसीं कहो मेरे 12th दे सिलेबस इक्वलेंस रिलेशन सीगा ते कलू मैं तुहानूं पुछ लां फाइंड द नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशन हैविंग थ्री एलीमेंट्स। हुण ध्यान नाल देखो ये वाली चीज़, मैं थ्योरम लिख के दिना, अगर मैं तुहानूं कहां मेरे कोल तीन एलीमेंट ने इहदे नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशन बनाओ, तो तुसीं बह बह के रिफलैक्सिव उस मैट्रिक करके लिखते रह जाओगे, तुहाडे पास कुछ नहीं पता लगना। तो जिन्नियां तुहाडियां पार्टीशनस होणगियां उन्ने तुहाडे इक्वलेंस रिलेशन होणगे, याद रखना। ठीक है जी, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल जदों तुसीं मतलब जदों मैं लैक्चर बना रहा वा तो मैं लैक्चर फॉर लैक्चर सेक नहीं बना रहा भी तुसीं जिहड़ा तुसीं कहो भी यूट्यूब ते बा जिवें मर्जी आ बना रहा, नहीं उहदे विच मैं BSc ऑनर्स के पिछे पेपर स्टडी करदा, तो मास्टर कैडर के पेपर स्टडी करदा, CMI के पेपर देखे ने, टिफर के पेपर देखे ने, क्योंकि फालतू टाइम च मैं आही करदा। CMI चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है, टिफर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल साइंसिज है, उस तो बाद NBHM दे नैशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स के पेपर होंगे ने। ये चीज़ा मेरिया ऑलरेडी स्टडी कीतियां हुई ने। सो इस चीज़ करके ये ना करो भी टाइम पास आप कर रहे हैं, तुहाडे पास इन्ना वेला बंदा मैं नहीं है भी तुम कहो यूट्यूब पर टाइम पास कर रहे हैं जी, सबसक्राइबर आएंगे जी, तुहाडे कोल भी चल सार वेले बैठे है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जे किसी नूं ऐसा लगता टाइम पास हो रहा बेशक ना देखो, ठीक है जी, क्योंकि जो तुसी मास्टर कैडर या BSc का सिलेबस तुसी ऑनर्स लिए देखते हो, सिलेबस इन्ना वड्डा है उस विचों सिर्फ एक काम की गल कढ़नी, क्योंकि मैं फोन पर कई बार प्रॉब्लम आती होंगे बहुत, अगर एक एक दिन कई बार मतलब बच्चे इन्ने ज़्यादा प्रॉब्लम्स भेज देंगे हैं तो उसके विचों कई यूजलैस होंगे ने, तो उत्थे ये होंदा होंदा तुहाडे पास भी जिहड़ा हैगा भाई ये सही डायरेक्शन पर चल ही नहीं रहा तुहाडे कोल बच्चा, तो तुसी जिन्ने मर्जी इंटैलीजेंट हो जे थोनों यही नहीं पता पेपर च की होना, जिन्ना मर्जी थोड़े पास ने रिच तीर मारी चो। सो इस करके बिल्कुल इस चीज़ पर फोकस करना जो थोड़ा कराया जा रहा भी प्रिसाइज नहीं, 200 बंदे के लैक्चर होने ये उत्ते यूट्यूब के उत्ते थोड़े को, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लोग 2017 का पेपर सॉल्व करने लिए ही 10 वीडियो बना देंगे ने थोड़े को, मैं तो उस तरह का कुछ नहीं, मैं तो क्वेश्चन उठाना वो बेस से वो चीज़ा कर दिना थोड़े को, ठीक है, और उस पेपर च है कि तुसी उत्ते 10 वीडियो दे सिर्फ प्रीवियस ईयर सोल्यूशनस दे देखो, 2 घंटे का पेपर बंदा सॉल्व कर लैंदा वाला, ठीक है जी। सो मैं इक्वलेंस जी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्वलेंस लिखानी हैगी है, मैं लिख दिना थोड़े को, चाहे सुनी है चाहे नहीं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्वलेंस रिलेशनस। ये थ्योरम पता की कह रही है, सिंपल मैं सिंपल लैंग्वेज सिर्फ याद करने लिए, स्टेटमेंट बहुत वड्डी है भी जिहड़ा थोड़ा नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशनस होणगे ना वो नंबर ऑफ पार्टीशनस दे बराबर होंगे। इहदा मतलब सीधी जी गल हुई, अगर मैं तुहानूं कहा भी मेरे पास 3 एलीमेंट हैगे ने तुहाडे कोल ABC, तो दसो किन्ने इक्वलेंस रिलेशन जनरेट करोगे, तो आंसर तुसीं ठा मारना 5। ठीक है जी, हुण सवाल हुंदा बंदा कहिंदा जी 4 आ जाण, 5 आ जाण, 6 आ जाण, 7 आ जाण, तो उस केस विच तुसी की करना है, दैट इज़ द क्वेश्चन। ठीक है जी, सो अगर मैं आ फार्मूला तुहानूं लिख दिता, ठीक है, हुण मान लो तुहाडे पास मेरा कोल ना कोई, मेरे पास 4 एलीमेंट आ गए, मेरे ए सैट की कार्डीनैलिटी 4 है, इनू मॉड नहीं कहना, इनू कार्डीनैलिटी कहना है, क्योंकि नोटेशन ना पता हो, किसी ने कह देना मॉड ए 4 है, किसी ने कह देना डिटरमीनेंट है, सैट में या रिलेशन में इदा पाने तो यदा मतलब नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए इज कॉल्ड कार्डीनैलिटी। ठीक है जी, सो नोटेशन पता होनी चाहिए है, नहीं पक्की गल है, बहुत सारे ने मॉड ए कह देना 4 है, बहुत सारे ने डिटरमीनेंट ए कह देना। जिहड़ी नोटेशन होंदी है ना, नोटेशन अकॉर्डिंग टू टॉपिक होंदी है, सपोज मैं AB इदा लिखा रिलेशन च, तो मैं इनू कहूँगा ऑर्डर्ड पेयर। अगर मैं AB रियल नंबरस दे विच लिखा तो मैं इनू कहूँगा ओपन इंटरवल। सो दोनों चीज़ा है तो सेम, तुम देखना तुम कि टॉपिक पढ़ रहे हो, बिल्कुल इन बिन नोटेशन सेम हैगी है। ठीक है जी, हुण मेरी कार्डीनैलिटी 4 हैगी है तुहाडे कोल, तो मैं इस 4 कार्डीनैलिटी यूज़ किवें करना है फार्मूले, सिर्फ आ देख लो, अगर तुहानूं 4 पता लग गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तुसीं जिन्नी मर्जी बैठ के कढ लो तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो फार्मूला मैं लिखिया आ वाला तुहाडे कोल, समेशन R इज इक्वल टू 1 NCR ते जिहड़ा हैगा PR।
ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल मेरे कोल हैगी है और मैनू पता लग गया कि मेरे पास मेरी कार्डीनैलिटी 4 है। अगर मेरी कार्डीनैलिटी 4 हैगी है हुण मैं इसनों समेशन नू खोलना है और मेरा ना जिहड़ा फार्मूला है वो आ है, ठीक है जी। तो उन्हें क्वेश्चन किया सीगा, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टीशन हैविंग एन प्लस वन एलीमेंट। सो एन प्लस एन वन एलीमेंट 4 ने तो एन 3 है, पहली गलती तो उरे होंगी हैगी है। सो एन 3 है, हुण मैं इत्थे पार्टीशन खोलनी शुरू करूँगा। आर दी वैल्यू 1 तो शुरू की तुहाडे पास, ठीक है जी। सो आर दी वैल्यू 0 तो शुरू करनी है, मैं गलत लिखा, 1 तो नहीं शुरू होती होंगी, 0 तो शुरू होती होंगी, ठीक है। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, अगर 0 तो शुरू करनी है आपां, 3 तक जाना है, 4 तो वैसे ही हो जानी है, तो जिहड़ा हैगा तां ही उन्हें एन प्लस वन लिया हैगा। तो पहले नंबर पर मैं आर 0 तो शुरू किया, समेशन मैंने सम है, तो एन एन जिहड़ा आया 3, ठीक है जी, 3 सी 0 पी ऑफ 0, 3 सी 1 पी ऑफ 1, 3 सी 2 पी ऑफ 2 प्लस 3C3 पी ऑफ 3। अब पार्टीशन 0 है, परमुटेशन 0 नहीं है, पी आर पार्टीशन रिप्रजेंट करता थोड़े को, ठीक है जी। सो पी आर थोड़ा जोड़ा हैगा पार्टीशन रिप्रजेंट करता है, तो आर थोड़ा एलीमेंट जोड़ा होगा, तो 0 का मतलब है कि आप 5 वाला केस लै रहे हैं, 3C0 हैगा थोड़े पास, ठीक है जी। तो 3C0 किसी चीज़ का भी 0, अगर मैं एन सी आर लवान तो फार्मूला होंगे एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर, अगर मैं एन सी 0 लवान तो एन फैक्टोरियल नीचे एन माइनस 0 फैक्टोरियल तो 0 फैक्टोरियल कैंसल कैंसल 0 फैक्टोरियल 1, यदा मतलब ए 1 आऊगा। 0 एलीमेंट वाली पार्टीशन एम्प्टी वाली पार्टीशन होंगी है, तो एम्प्टी तो पार्टीशन 1 सी, 3C1 3 आ गया, 1 वाली पार्टीशन 1 की पार्टीशन किन्नी सी 1 ही सी थोड़े को, ठीक है जी। 3C2 भी 3 होंगे, इन्ना मैं मान के चलता, 2 की पार्टीशन किन्नी सी जी थोड़े को 2 सी, 3C3 3C0 ही होंगे, 3 वाली पार्टीशन 3 की किन्नी सी जी 5, 5 ते 6 11 ते 3 14 ते 1 15 15 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੈਜ਼ 4 ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ 22-24 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਈ ਮੇਰਾ ਏ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ 4 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਕਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇਕਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀ ਫੋਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਏ 15 ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 15 ਇਕਵਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇਰਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਸਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇਸਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਐਂਟੀਸਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਿੰਟਸ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਖਤਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਫਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਓਰਲੀ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਕਵਲੈਂਸ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 2 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਵਾਂ, ਕਲਾਸ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੀ, ਇੱਕ ਏ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਏ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਏ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਏ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 4-8 ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ 4-8 ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 4-10 ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 4-12 ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਭੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਓਰਲੀ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਸ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ,
मतलब अगर तुसी एक केस विच डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस निकाल दे हो ता दो रूल लगने ने जी क्लासेस दे विच ओ की रूल ने तुहाडे पास या ता क्लासेस एंटायरली डिफरेंट होणगियां या क्लासेस एंटायरली सेम होणगियां। इदां नहीं हुंदा हुंदा कि मैं एक एलीमेंट दी क्लास लभी थोड़े कुछ एलीमेंट उहदे नाल सेम आ गए कुछ एलीमेंट उहदे नाल सेम आ गए, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बननी हैगी। ठीक है जी। सो इक्वलेंस क्लास अगर एक नालों ज़्यादा एलीमेंट्स की किसी रिलेशन विच कढ़ते हो या एंटायरली डिफरेंट आएगी, एंटायरली डिफरेंट मैंने नो एलीमेंट कॉमन या तो नो कॉमन, ठीक है जी, या फिर एवरीथिंग कॉमन। ठीक है जी। सो जिहड़ा इन्ना हो गया जी, इन्ना कर लो जी। अगला जिहड़ा हैगा तुहाडा मैं लैक्चर जिहड़ा है इनफीबम सुप्रीमम ते बनाऊंगा। ठीक है जी। सो फिर आपां देखदे हां तुहाडे पास। ठीक है जी। जे अच्छा लगे तो किसी नूं जरूर शेयर कर दिओ। थैंक यू।